पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। कब से पल्लवी को फोन मिला रही हूँ, उसका फोन नॉट रीचेबल जा रहा है। ओह। अब सुनिए ना, ये दिए अपने रूम में भी रख दीजिए ना प्लीज। मैं कंबल लेके आता हूं। बहुत जलन हो रही है। तुम अंधेरे में इतनी दवाई कहां से ढूंढे? मैं टूथपेस्ट लेकर आती हूँ, उससे जलन थोड़ी कम होगी। इतना कुछ हो गया यहाँ और इस पल्लवी का कुछ अता पता नहीं। ये तो मान ही नहीं रही है, अब क्या करूं मैं? अभी नहीं बेटा, बहुत सारी डेटा एंट्री है, फाइल अरेंज करनी है बहुत सारी, पता नहीं कैसे पहुंचूंगी 10 बजे तक। काम खत्म ही नहीं हो रहा है, कैसे पहुंचूंगी अपने पोते और बेटे से मिलने के लिए? पहली होली है पोते की और हम यहाँ फाइल के बीच में दबे हुए। मैडम कहाँ आ रही है अंदर, बाहर जाइए, मैंने कहा था ना होली के बाद आइए बिल भरने के लिए। मैम कि फॉर्मेट गड़बड़ है, अगर ऐसे डेटा एंट्री करेगी तो 2 घंटे में भी कंप्लीट नहीं होगा। लाइए मुझे दिखाइए। सॉरी वो मैंने आपकी फोन पे बात सुन ली थी तो आपको देख के मुझे अपने पापा की याद आ गई। जब वो हमारे साथ टाइम नहीं स्पेंड कर पाते थे ना त्योहार वाले दिन, वो भी आप ही की तरह अपसेट हो जाते थे। लीजिए मैम, हो गया। लो बेटा, तुम्हारा बिल भी हो गया। थैंक यू सो मच मैम, अगर आज आप बिल नहीं भरती ना तो हमें अंधेरे में होली मनानी पड़ती। आज लास्ट डेट थी, आज बिजली कट जाती। तुमने बिना कुछ सोचे समझे मेरी हेल्प की तो इतना तो कर ही सकती हूँ मैं, बस आगे के लिए ध्यान रखो। हम ऐसे ही बिजली नहीं काटते, पहले फाइन लगेगा, हम आपको नोटिस देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे आपको फोन पर कि बिल भर दीजिए, उसके बाद भी अगर बिल नहीं भरा गया तब काटी जाती है लाइन। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखूंगी और ऐसी नौबत कभी आने ही नहीं दूंगी। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली। हैप्पी होली टू यू टू। चलो एटलीस्ट ये तो हुआ, अब फ्लाइट जाने की कोई टेंशन नहीं। अरे बहू। हाँ हाँ आई। हाँ बहू, ये होलिका दहन के लिए हम गोबर के उपले लेकर आए हैं, इन्हें अच्छी तरह से थाल में सजा लो। और हाँ, तुम्हारे वो व्यंजन पकवान वगैरह, गुजिया गुजिया, वो सब तैयार हो गई ना? वो बना ही रही हूँ बापूजी। अच्छा, थोड़ा सा पानी पिला देना हमें। हाँ अभी लेके आती हूँ। ले लीजिए बापूजी।
कमाल है वो, तुम्हें इन सूखे ओपलों से बदबू आ रही है। अरे जब वरुण तुम्हारी सास के पेट में था ना, तो तुम्हारी सास होलिका दहन की पूजा के लिए अपने हाथों से गोबर के ओपले बनाया करती थी और उन्हें सुखाया भी करती थी। तुम्हें ना जाने कितनी बदबू आ रही है। मैं इसे पूजा के थाल में रखती हूँ। अरे बहू क्या कर रही हो, जल्दी करो, पूजा का वक्त निकला जा रहा है। हाँ हाँ। ओ बहू कितना टाइम। अरे ये क्या, तुम्हें ढंग से गुजिया बंद करनी नहीं आती। अरे भाई तुम घर की बहू हो, इन सब कामों में तो तुम्हें निपुण होना चाहिए ना। अब हर साल तो इस अवसर पर हम होते नहीं है, तो तुम क्या करती हो और इतने दिनों तक तुम अपने मायके में क्या करती रही? वो पापा और पल्लवी बना लेते थे। ओ अच्छा, तो अब हमें गुजिया के लिए तुम्हारे पापा को यहाँ बुलाना पड़ेगा है ना, या फिर तुम्हारी बहन पल्लवी के घर से लाना पड़ेगा। अरे इससे पहले मोहल्ले वाले बुलाने के लिए आ जाए, कुछ करो, इनको बनाओ ठीक से। लो, लगता है मोहल्ले वाले आ गए बुलाने के लिए। अब तुम ही जाओ, जाके जवाब दो उनकी बातों का, हम तो यही रहेंगे। हाँ। Yes? मैम आपके लिए एक पार्सल था। थैंक यू। हैप्पी होली दीपिका दी, ये होली की स्पेशल थाली आपके लिए, होली का दहन के ओकेशन पर। अरे वाह, ये किसने भेजा? पल्लू ने भेजा है। चलो ये अच्छा हुआ, कम से कम तुम्हारी पल्लवी की थाल हमारे काम तो आ गई। लो इसे पकड़ो और इसे अच्छी तरह थाल में सजा के तुम भी फौरन नीचे आ जाओ। हाँ ये, अरे बेटा तुम भी आ जाओ ना, होली का पूजा करने जा रहे हैं। और सुरेश जी को भी कह दो, उन्हीं का इंतजार हो रहा है। जी मैं बुलाती हूँ, आप लोग चलिए हम आते हैं। ठीक लग रहा है? हाँ अभी जलन काफी कम है। नहीं नहीं फिर भी सुबह ना मैं मेडिकल में जाके मरहम ले ही आता हूँ। इतना अंधेरा क्यों है? मम्मी जी, मम्मी जी लाइट क्यों चली गई है? और आप लोग ऐसे, ये क्या, मुझे क्या हो गया? हाथ मत लगाओ इन्हें, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। बिजली का बिल ना भरने की वजह से लाइट चली गई। नहीं मम्मी जी, मैंने बिजली का बिल भर दिया है। तो ऐवे ही चली गई लाइट, देर से भरा होगा तुमने, तो उन्होंने डिस्कनेक्ट कर दिया। नहीं उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वो कभी ऐसे इलेक्ट्रिसिटी नहीं काटते मम्मी जी। वापस डाल देती हूँ फ्यूज, नहीं तो पकड़ी जाऊंगी मैं। पल्लवी ज्यादा बातें मत बनाओ मेरे सामने, 100 बात की 1 बात, त्योहार के दिन मेरे घर में लाइट नहीं है, इनका हाथ जल गया, पूरे घर में आग लग सकती थी। त्योहार के दिन इतना बड़ा अपशगुन हो सकता था और ये सब हुआ सिर्फ तुम्हारी लापरवाही की वजह से। अपर्णा अब लाइट आ गई है ना, छोड़ो ये बहस करना, क्यों बेकार की बातें कर रही हो, चल चल के होलिका की पूजा की तैयारी करो। पल्लवी बेटा जाओ, तुम भी तैयार हो जाओ। अरे मामूली सा जख्म है, ज्यादा गहरा नहीं है, ठीक हो जाएगा। मामूली सी बात, आपका हाथ जल गया है, घर में आग लग सकती थी, ऐसे ही जाने दो, मुझे दिख रहा है इस लड़की की जिद इस घर में क्या क्या करवा रही है। मैं बता रही हूँ ये जरूर अपने मायके गई होगी, इसकी वजह से बिल भरने में लेट हो गई होगी।
क्यों पल्लवी? गई थी ना अपने पापा से मिलने, मना किया था ना कि आज सीधा घर में आना, त्योहार है, कल तो सबसे मिलने ही वाली हूँ। मना किया था ना पल्लवी? हाँ मम्मी जी, आपने मना किया था। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।